तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन का। जैसे कि असाइनमेंट बहुत इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी को फार्मूले याद होने चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/√x का डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज y इज इक्वल टू 1/√x, तो हमको क्या निकालना है, dy वाई बाई डी एक्स बेसिकली हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे कि सपोज x टू द पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे n जो है 1 के बराबर नहीं होना, सॉरी n जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/√x को हम लोग क्या ले सकते हैं, x टू द पावर हाफ, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, x टू द पावर माइनस हाफ। ओके, सो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस हाफ x टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस हाफ x टू द पावर माइनस 3/2। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इजी, सिंपल है, प्रोडक्ट रूल का है, आप लोगों को आता होगा ये। हम लोग सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे जंप करते हैं डायरेक्टली। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर हम लोग इसको मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसको हम लोग किसी भी रेस्पेक्ट में देखें, 1 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसके लिए, 0। उसके बाद हम लोग जम्प करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैन 2x। तो ये सिंपल चेन रूल का एग्जाम्पल है। ठीक है, चेन रूल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टेन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यही तो करते हैं चेन रूल में। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं वाई इज इक्वल टू टेन 2x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x। उसके बाद इस 2x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ 2x, तो इसका 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा सिर्फ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 सेक स्क्वायर 2x। अब फिफ्थ नंबर का हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स, या इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/3। तो सिंपल क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 एक्स टू द पावर माइनस 2/3। ओके, दूसरा, इस फिफ्थ का दूसरा पार्ट है तो और भी इजी है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 25, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इसका, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 5 और प्लस 25 का डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, 3x² माइनस 5। अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एक्स टू द पावर 2/3 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 3/√x². ओके, तो हम लोग सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो ऊपर वाले को हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं, नीचे वाले को दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, फार्मूला अप्लाई करें, अगर सपोज वाई इज इक्वल टू दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड दूसरा जी ऑफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हम लोग क्या करते हैं, बच्चों बोलो, हम लोग क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स, उसके बाद क्या करते हैं, जो सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, वो उसके बाद नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करते हैं। ये फार्मूला है, तो इसी फार्मूले पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में y इज इक्वल टू हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, 2x^2/3 प्लस x^1/3 माइनस 3/√x². ओके, क्यूब रूट एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
डीवाई बाई डी एक्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, क्यूब रूट एक्स स्क्वायर इंटू किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2/3 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 3। फिर माइनस अभी क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, एक्स टू पावर 2/3 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ क्यूब रूट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यूब रूट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये तो एज इट इज रहेगा, क्यूब रूट एक्स स्क्वायर इंटू, बताओ एक्स टू द पावर 2/3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हम लोग लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 2/3 का डिफ्रेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, 2/3 एक्स टू द पावर 2/3 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 का 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1, और 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, माइनस एक्स टू द पावर 2/3 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 3। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डी डी एक्स ऑफ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो जल्दी से, क्यूब रूट एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर टू द पावर 2/3। अब इसका डिफ्रेंशिएशन काफ़ी ईजी है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 2/3 का होल स्क्वायर, सिंपल है। अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं इसका, तो अब ये कितना आ जाएगा हमारा, क्यूब रूट एक्स स्क्वायर इंटू 2/3 एक्स टू द पावर, ये कितना जाएगा बच्चों, माइनस 1/3 प्लस 1/3, ये कितना जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस 2/3। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, एक्स टू द पावर 2/3 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 3 माइनस 3 इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 माइनस 1। ओके, डिवाइडेड बाई ये क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर 4/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसका सेकेंड पार्ट हम लोगों को क्या था, वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड इन टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 5, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक सिंपल प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं या दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कर सकते हैं, तो मैं प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो डीवाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 को कांस्टेंट ले लेते हैं और किसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 5, फिर प्लस साइन, फार्मूला है डायरेक्ट एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 5। अब किसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और प्लस 5 का 0 कांस्टेंट, 5 एक कांस्टेंट टर्म, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x, और प्लस 2 है तो 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 0, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट पे। तो 7 का फर्स्ट पार्ट भी काफ़ी ईजी है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग जो दो फार्मूला है, दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनका फार्मूला हमको पता है, एक फंक्शन इसको मान लेते हैं ऊपर वाले को, एक फंक्शन हम लोग डिनोमिनेटर को मान लेते हैं। तो डीवाई बाई डी एक्स जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब क्या करेंगे, नॉमिनेटर को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, 4 है सॉरी, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4
एक्स क्यूब ओके प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग जंप करते हैं सेवेंथ के दूसरे पार्ट पे। तो सेवेंथ का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? सेवेंथ का दूसरा पार्ट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h x इंटू वाई प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग बच्चों दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप यहां से y का वैल्यू निकाल लो फिर dy बाई dx निकालो, या तो इसको सिंपल यहीं से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हम लोग अगर y का वैल्यू निकाल के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से, तब भी लिखेंगे यहाँ से हम लोग y कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2hx प्लस बी, क्या आ जाएगा 2hx प्लस बी, ठीक है। तो सिंपल इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो देखें यहां से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखेंगे 2x इंटू dx प्लस, यहाँ पे देखें x और y दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन को कांस्टेंट लेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स को कांस्टेंट लेंगे वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये डी वाई प्लस 2h, वाई को कांस्टेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से डी एक्स प्लस बी इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब डी वाई वाले टर्म को एक साथ रखते हैं, डी एक्स वाले टर्म को एक साथ रखते हैं, तो डी एक्स का एक टर्म यहाँ पे और डी एक्स का एक टर्म यहाँ पे, तो यहाँ इन दोनों को हम लोग एक साथ ले आते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2ax प्लस यहाँ से 2hy, डी एक्स हमने कॉमन ले लिया प्लस यहाँ से इस फंक्शन से और इस फंक्शन से हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं डी वाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2hx प्लस बी इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। हमको क्या चाहिए था बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से 2hx प्लस बी इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस 2ax प्लस 2hy डी एक्स, ओके। तो सिंपली करेंगे क्या, अभी इस डी एक्स को इधर ले आओ और इस टर्म को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा यहाँ से फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2ax प्लस 2hy डिवाइडेड बाई 2hx प्लस बी, ओके ओके। सो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट पे। अरे तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। 8 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5/2 कॉसेक 2x, क्या कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5/2 कॉसेक 2। तो काफी सिंपल है, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, सबसे पहले हम लोग इसको कॉन्स्टेंट लेते हैं फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉसेक 2x प्लस इस बार कॉसेक 2x को कांस्टेंट ले लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से x टू द पावर 5/2, ओके। तो अब ध्यान से देखें, अब इसके हम लोग सेकेंड पार्ट पे जंप करते हैं बच्चों। तो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई सेक एक्स। तो काफ़ी सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, सबसे पहले हम लोग सेक एक्स को ऊपर ले जाते हैं, क्या किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब को, फिर माइनस एक्स क्यूब कॉमन लेंगे किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक एक्स को, फिर डिवाइडेड बाई सेक एक्स होल स्क्वायर, ओके। अब काफ़ी सिंपल है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 3x² तो आ जाएगा 3x² सेक एक्स माइनस यहाँ से सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सेक एक्स का, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ से, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स का होल स्क्वायर तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। काफ़ी सिंपल है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। तो 9 का फर्स्ट पार्ट काफ़ी इजी है, y इज इक्वल टू क्या है, सभी इस फार्मूले पे बेस्ड हैं,
ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ, सबसे पहले ऊपर को डिफ्रेंशिएट कर लो, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, ओके माइनस, फिर अब इसको कांस्टेंट ले लो, इस टर्म को कांस्टेंट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सिंपली काफ़ी सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हैं, साइन एक्स इंटू ए साइन एक्स, तो ये तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस बी साइन एक्स, और प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन तो जीरो आ जाएगा, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x होल क्यूब। तो इसको सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3√x प्लस 1/√x पावर 3-1 इंटू, अब अंदर को टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यह आ जाएगा 3√x प्लस 1/√x होल स्क्वायर इंटू इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/√x प्लस 1/√x का डिफ्रेंसिएशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, तो ये कितना आ जाएगा, 3√x प्लस 1/√x होल स्क्वायर इंटू 1/√x प्लस, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1। काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे देखें हमने चेन रूल ही अप्लाई किया। अगर हम लोग इसको सिंपल चेन रूल में देखें तो चेन रूल में क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं कि m इज इक्वल टू क्या है, रूट एक्स प्लस 1/√x, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से एम क्यू, हमको क्या निकालना है, dy वाई बाई डी एक्स, तो dy वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, dy वाई बाई डी एम इंटू डी एम बाई डी एक्स, तो वही तो हमने किया है, dy वाई बाई डी एम, ये इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी डी एम ऑफ एम क्यू इंटू डी डी एक्स ऑफ एम, एम का वैल्यू कितना है, रूट एक्स प्लस 1/√x, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 3m स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x। अब m की जगह पे रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, सेम चीज़ यही दोबारा आ जाएगा, तो ये चेन रूल ही है एक हिसाब से, आप लोगों को ठीक से समझना है। 10 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर, ठीक है, तो सिंपल चेन रूल हम लोग लगाते हैं, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं m, इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, तुम लोग अभी सीख रहे हो तो ऐसे ही करो, y इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं m, तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब हमको dy वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ चेन रूल के अकॉर्डिंग, dy वाई बाई डी एम इंटू डी एम बाई डी एक्स, तो dy वाई बाई डी एम क्या आ जाएगा, यहाँ से बोलो 2m आ जाएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ m, और m कितना है, y के बराबर है, y कितना है ये, क्योंकि इसको हमने क्या माना हुआ है, इस इज इक्वल टू एम माना हुआ है, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, तो टू इंटू एम, एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू कितना बोलो, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी होल स्क्वायर में एम, एम एम का वैल्यू कितना था हमारा, m का वैल्यू कितना था हमारा, m इज इक्वल टू साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू था, ओके तो वैल्यू स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ से, साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हाफ एक्स्ट्रा आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, हाफ, तो ये कितना आ जाएगा, टू साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू इंटू हाफ कॉस एक्स बाई टू माइनस हाफ
साइन एक्स बाय टू, काफी सिंपल। ओके, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू इंटू साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू इंटू हाफ कॉस एक्स बाय टू माइनस हाफ साइन एक्स बाय टू। अब 10 नंबर का दूसरा पार्ट मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, सिंपल है भी, चेन रूल और डिवीजन रूल का है। आप लोग आज इसको सॉल्व करेंगे खुद से। मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ सेकेंड 11 नंबर। 11 क्या कह रहा है, एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी साइन 9t प्लस 1/√t। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी साइन 90 प्लस टी टू द पावर हाफ माइनस हाफ, इस ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो dx बाई डी टी क्या आ जाएगा, यहाँ से टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3t² प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है। तो टी हम लोग कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, सबसे पहले क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन को, तो यह आ जाएगा साइन 90 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस हाफ टी टू द पावर माइनस हाफ माइनस वन। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3t² ओ सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो x इज इक्वल टू यहाँ से dx बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर का टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा 3t² प्लस यहाँ से टी को कांस्टेंट लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन, चेन रूल अप्लाई कर दिया यहाँ पे प्लस। अब साइन 90 को कांस्टेंट ले लिया, किसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने, टी को डिफरेंशिएट कर दिया, किसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने, टी को डिफरेंशिएट कर दिया। फिर प्लस टी टू द पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस हाफ टी टू द पावर माइनस हाफ माइनस वन। तो कितना जाएगा ये 3t² प्लस टी इंटू साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस 90 था तो 90, अब इस 90 को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस यहाँ से टी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा साइन 90 इंटू 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस हाफ टी टू द पावर माइनस 3/2। दिस इज द आंसर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना था, तो ये काफ़ी इजी है। एस इज इक्वल टू कॉस एक्स 60 प्लस टी स्क्वायर 10 70 बाई सेक टी। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर सिंपल डिवीजन रूल है, हम लोग डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। तो सेक टी इंटू ऊपर वाले फंक्शन को सबसे पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया, फिर माइनस, फिर इसको कॉन्स्टेंट लेके नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट किया, फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर किया। अब यहाँ से हमने यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो क्या लगेंगे, सेक टी इंटू कॉसेक 60 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू इंटू कॉट एक्स होता है। तो माइनस यहाँ पे कॉसेक 60 है, तो कॉसेक 60 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक 60 इंटू कॉट 60। अब 60 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर प्लस, अब यहाँ पे ध्यान देखिए, फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पहले टी स्क्वायर को कॉन्स्टेंट लेके 10 70 को डिफरेंशिएट किया, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो 10 70 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 7 sec स्क्वायर 70, और 70 का डिफरेंशिएशन 7। फिर प्लस 10 70 को कांस्टेंट ले लिया, इस बार टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। फिर माइनस, ये फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, cos x 60 प्लस टी स्क्वायर 10 70, और sec t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देख के बताएं क्या होगा, sec t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec t इंटू 10t डिवाइडेड बाई sec t होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर ले, आंसर आ जाएगा